नमस्कार, T20 का पठानकॉन हमारी स्पेशल कवरेज में आपका स्वागत है। मैच खत्म हो गया है, दिल्ली में मैच चल रहा था और दिल्ली में जो है गुजरात के शेरों ने दहाड़ लगाई है और दिल्ली के खिलाड़ियों का दम निकाल दिया है। दिल्ली ने जो है ये मैच गंवा दिया है और गुजरात ने 6 विकेट से ये मैच जीत लिया है। गुजरात की ये दूसरी जीत है। गुजरात टाइटन्स ने दिल्ली कैपिटल्स को जो है 6 विकेट से मैच में हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 162 रन बनाए। डेविड वार्नर ने अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 37 रनों की पारी खेली। सरफराज खान ने 30 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 36 रनों का योगदान दिया। जैसे तैसे दिल्ली की टीम ने यहां पर 162 रन बनाए। टॉस हारकर दिल्ली को यहां पर पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी और उसके बाद वो स्कोर बोर्ड पर 20 ओवर में 162 रन जोड़ पाए। 163 रनों का टारगेट मिला यहां पर जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम को पीछा करते हुए उनके पहले 2 विकेट जो है वो जल्दी गिरे। शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा 14-14 रन जोड़कर जो है आउट हुए, लेकिन साय सुदर्शन ने खूंटा गाड़ दिया। 22 साल के इस लड़के ने जो है पिच पर खूंटा गाड़ दिया। उन्होंने अर्धशतक लगाया, 62 रनों की पारी खेली। हार्दिक पांड्या भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके, 5 रन बनाकर वो चलते बने। विजय शंकर ने 29 रन जो है यहां पर बनाए और साथ दिया साई सुदर्शन का क्रीज पर। बाद में डेविड मिलर द किलर, उन्होंने 31 नाबाद रन बनाए 16 गेंदों पर और मैच जो है गुजरात टाइटन्स के झोली में आ गया। 18.1 ओवर में ही गुजरात की ये लगातार दूसरी जीत है। पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन है और लगातार हर मैच में शानदार प्रदर्शन करती चली जा रही है। अलका, बिल्कुल सही बात है। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेटों से हरा दिया है। गुजरात ने लगातार दर्ज की है अपनी दूसरी जीत। दिल्ली को अब 2 मैचों में मिली है हार, वो भी लगातार हार मिली है और अंक तालिका में सबसे नीचे आ गए हैं। T20 का पठानकॉन, जहां क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम देते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल कुणाल से है। कुणाल, केम छो, मजा माचो। अब तो गुजरात टाइटंस जो है वो अच्छी चल रही है और जैसे हम बात भी कर रहे थे कि गुजरात टाइटंस मैच पर पकड़ बनाए हुए है और हमने ये पहले भी बात करी थी जब मैच शुरू हुआ था कि इस टीम का बैटिंग लाइनअप ऐसा है जो लगता नहीं है कि उतना इम्प्रेसिव है या फिर बहुत डीप है या बहुत भारी है, मगर समहाउ समवे वो जीत का रास्ता तलाश रहते हैं। और हमने पहले भी बताया था, व्यूअर्स को दोबारा से बता देते हैं कि इस टीम ने इस मैच से पहले 10 मैचेस में चेस किया है और 9 में जीत हासिल की है। अब जो है वो आंकड़ा इसमें एक और ऐड कर लीजिए, एक और जो है सिंगल चेस जो है यहाँ पर जो है लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात के नाम हो गया है। कमाल की उनके बल्लेबाजी है। डेविड मिलर जो है उनके साथ जो जुड़े, अभी उन्होंने आते ही कमाल की बल्लेबाजी की। लगभग 16वें ओवर में उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका लगाया। सारा प्रेशर जो है वो रिलीज कर दिया और उसके बाद साय सुदर्शन एक छोर संभाल कर खेल रहे थे। तारीफ करनी होगी उस लड़के की, 22 साल का लड़का है। TNPL में धमाल मचाया इन्होंने, उसके बाद गुजरात टाइटंस ने उनको पिक किया। कमाल का प्रदर्शन उनकी तरफ से भी देखने को मिला, एक ऑलराउंड प्रदर्शन आप कह सकते हैं। गुजरात की टीम जो पिछले मैच में भी किया, इस मैच में भी किया, गेंदबाज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और धीरे धीरे जो है बल्लेबाज भी सब अपना योगदान देते हैं।